दोस्तों 14 जून 2022 रक्षा बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा कर दी गई है। इसके तहत सैनिकों को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव के लिए अग्निपथ भर्ती का ऐलान किया है। सवाल ये है कि इस योजना में 4 साल की सेवा के बाद रिटायर हुए जवानों को क्या फायदा मिलेगा, लेकिन उससे पहले अग्निपथ भर्ती योजना के बारे में जान लेते हैं। अग्निपथ योजना के तहत सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती कराया जाएगा। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। 17.5 से 21 साल उम्र के युवा नौकरी पा सकते हैं। इसके लिए 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद 4 साल होने के बाद 25% तक अग्निवीर सेना में बने रह सकते हैं। ये उनकी योग्यता पर निर्भर करेगा। दोस्तों, यदि अग्निवीर में रहते अग्निवीर हो जाता है शहीद तो क्या होगा? यदि अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि ब्याज समेत मिलेगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। अगर कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन मिलेगा। दोस्तों, अब समझते हैं कि अग्निपथ योजना के तहत कितनी सैलरी मिलेगी। पहले साल आपको 30,000 रुपये, दूसरे साल 33,000 रुपये, तीसरे साल 36,500 रुपये और चौथे साल 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी, जिसमें 70% आपकी इन हैंड सैलरी होगी और 30% आपके फंड में जमा हो जाएगी। इसमें सेम रेशियो का कंट्रीब्यूशन भारत सरकार की तरफ से भी किया जाएगा। मतलब जितने प्रतिशत आपकी सैलरी में से पैसे कटेंगे उतने सरकार अपनी ओर से उसमें मिलाएगी। और 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को 11.7 लाख रुपए तक की सेवा निधि भी दी जाएगी। इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा सैनिकों को और भी कई फायदे मिलेंगे। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए अग्निवीर परीक्षा के क्वेश्चंस आंसर भी लाने वाले हैं, तो आप हमारे इस ऑफिशियल चैनल से जुड़ जाए। इस योजना में आवेदन कैसे करना है ये भी हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।